हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अलाइजब्लू। मैं हूँ दीपन गोगोई और आज हम बात करेंगे एमसीएक्स जैसे एलुमिनियम, लीड, जिंक, कॉपर। तो देखेंगे कहाँ पे एंट्री कर सकता है। तो पहले आप देख सकते हैं ये एलुमिनियम। तो एलुमिनियम क्या हुआ, मैंने जो एक रेंज दिया था शायद आपको याद होगा, तो एक रेंज दिया था राइट, ये रेंज तो और एक सपोर्टिंग लाइन जो मेरा प्रीवियस वीडियो था। तो यहाँ से मैंने आपको एक सपोर्टिंग लाइन दिया था जिसे ये एक ट्राई किया था, tested almost 3 times they are tested to break this level, but they are not able to break this level. So the price is today you can see it. So as आप देख सकते हैं ये market break कर दिया 200 moving average, right? तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जो break हुआ तो start यहाँ से buy करेंगे तो problem क्या हो जाता है, कभी कभी क्या होता है जो 200 moving average को break होने का बाद फिर से market रिट्रेस कर लेता है, मतलब 200 मूविंग एवरेज के आसपास फिर से मार्केट को नीचे पुल कर लेता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप बाय कर देंगे तो मार्केट यहाँ से पुल होके 200 का आसपास भी आ सकता है। तो इसलिए आपको अगर रिट्रेसमेंट मिले तो अराउंड 132 का आसपास मिले तो यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, तो एक अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन मेथड तो यहाँ से हायर हाई एंड हायर लो होगा, हायर हाई हुआ हायर लो बना के मार्केट फिर से नेक्स्ट टारगेट जैसे 137 तक जा सकता है राइट। ये हो गया आपका एलुमिनियम। तो अगर हम जिंक को देखें तो जिंक आप देख सकते हैं जिंक कंटिन्यूअस ऊपर ही जा रहा है राइट। तो हमें नेक्स्ट टारगेट मिला हुआ है जैसे 215, अभी मतलब 7 ऑलमोस्ट 7 रुपीज का ऊपर में है। तो अगर आपको एंट्री करना है तो ये जो जैसे मार्केट बिहेवियर आप देख सकते हैं, मार्केट मूविंग एवरेज के आसपास घूम रहा है। जैसे कौन सा मूविंग एवरेज आप देख सकते हैं, रेड वाला, तो रेड वाला मतलब ये 50 मूविंग एवरेज के आसपास। तो यहाँ पे अगर एंट्री करना है तो आप मार्केट को 50 मूविंग एवरेज के आसपास आना चाहिए राइट। 50 मूविंग एवरेज के आसपास आएगा तो यहाँ पे एंट्री कर सकता है बाय के लिए राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।